Hello everyone, welcome to SK Tutorial. In this video, I will talk about NATA examination. As we know that the full form of this examination is National Aptitude Test in Architecture. Basically, this examination is conducted by the Council of Architecture. And as we know that this examination is the entrance examination for pursuing the career in architecture. If you want to become the architect, then you can give this examination also. Because another examination is also there for getting the admissions or entrance in architecture colleges like GMAN paper 2 and architecture aptitude test, right? And another option is NATA. This examination is conducted by the Council of Architecture, as we know that. And the Council of Architecture has released the notifications earlier this year because examination pattern has changed. Eligibility criteria has changed and validity of scorecard has changed. Various types of changes mentioned in the official notifications which is released by the Council of Architectures. So we will try to understand all the things in this video. Before starting today's video, if you have come first time on SK Tutorial channel, then please do not forget to subscribe to this channel for getting latest update related to new videos. Let's start now. इसमें जो एग्जामिनेशन के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किए गए हैं, इसमें स्केड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाटा एग्जामिनेशन जो होता है वो वन ईयर में 3 times होते हैं. और इसमें पहला एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है वो आपका 6 अप्रैल को होने जा रहा है. 6 अप्रैल को एग्जामिनेशन होंगे और ये एग्जामिनेशन जो होंगे वो 3 hours के होंगे, यानी कि 180 minutes के, जिसमें कि आपका 2 sessions में examinations होंगे. और आप लोग जानते हैं कि examinations pattern में चूंकि बदलाव किए गए हैं, बदलाव में जो है आपका drawing sections को this year से फिर से add कर दिया गया है. drawing sections that means इसमें आपका part A जो रहेगा syllabus का, part A में drawing रहेंगे और part B जो रहेंगे उसमें आपका general aptitude के questions रहेंगे. drawing के जो रहते हैं उससे कुछ important topics हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन जो रहेंगे कंपोजिशंस एंड कलर शेडिंग रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे. आपको सिचुएशनल बेस्ड डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उसमें कलर शेड करने को रहेगा. लाइक अगर मैं इसको बोलूं तो आप कह सकते हैं लोगो डिजाइनिंग बेस्ड क्वेश्चंस रह सकते हैं, कंपनी के लोगो डिजाइनिंग या फिर ये टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे. उसमें कलर कौन सा राइट कलर चूज करके आप उसमें फीड करेंगे, उसमें वो चीजें इंपॉर्टेंट रहेगा मार्क्स अच्छे लाने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा ये 25 मार्क्स के रहेंगे. और क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैं बात करूँ तो ये स्केचिंग एंड कंपोजिशन बेस्ड रहेंगे. ये क्वेश्चन आपको ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाना होगा ड्राइंग क्वेश्चन को, और ये 25 मार्क्स के होंगे. और अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 3 का, तो ये 3D कंपोजिशन होंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होंगे ड्राइंग के परस्पेक्टिव से अगर देखें तो. और मतलब जैसे कि इसमें अगर मैं एक डेमो बताऊं तो क्वेश्चंस किस तरह के रहेंगे, तो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चंस इस तरह से रहेगा. इमेजिन यू आर सिटिंग इन द पार्क एंड ड्रॉ द व्यू व्हाट एवर यू आर सीइंग. मतलब आप मान के चलिए, अज्यूम करिए कि आप पार्क में बैठे हुए हैं, आप किस तरह के सीन को देख रहे हैं वो सीन को ड्रॉ करिए. तो पूरा आपको विजुअलाइज इमेजिनेशन करके, इमेजिन करके आपको अच्छे से ड्रॉ करना होगा ड्राइंग पेपर पे. तो ये हैं 25 मार्क्स के 2 questions और 1 question रहेंगे 30 मार्क्स के, यानी कि टोटल ड्राइंग का एग्जामिनेशन जो होने वाला है वो 80 मार्क्स का होने वाला है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स. एंड इस एग्जामिनेशन, ये ऑफलाइन एग्जामिनेशन होगा ड्राइंग का जो होगा. इसके ड्राइंग का एग्जामिनेशन होने के बाद ही आपका पार्ट बी होगा, जिसको कि हम लोग जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं. और जनरल एप्टीट्यूड जो होंगे वो MCQ बेस्ड रहेंगे और ये कंप्यूटर बेस्ड होंगे. ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे, ये 90 मिनट्स के होंगे और इसमें क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 30 क्वेश्चंस रहेंगे 2 मार्क्स के. 30 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के? 2 मार्क्स के रहेंगे. और 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे इसमें. तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको 120 मार्क क्वेश्चंस देखेंगे. अब मैं यहाँ पे डिटेल में सिलेबस तो दिया गया है इसमें, लेकिन अकॉर्डिंग टू द माई एक्सपीरियंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बाद मैं बता सकता हूँ. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इन द सेंस, ये पिछले साल का नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न में जब से बदलाव हुए हैं, That means इस साल से, तो कुछ पैटर्न भी बदले हैं तो क्वेश्चंस भी बदलेंगे. क्योंकि पिछले साल तो क्वेश्चन जो पूछा गया था वो MSQ, PTQ, NAT के फॉर्मेट में, लेकिन जब 2018 में 17 में, मतलब 2019 से पहले जो एग्जामिनेशन हुआ करते थे टिल द 2019, वो एग्जामिनेशन होते थे इसी पैटर्न पे. तो पहले के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेरिजन टू
इधर के, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस COVID-19 पेंडेमिक के वजह से लॉकडाउन जो लगा था, ड्राइंग सेगमेंट को हटा दिया गया था और जनरल एप्टीट्यूड में ही कुछ नए सेगमेंट्स को ऐड कर दिए गए थे ताकि उसके बदले में अलग अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, राइट। तो यहाँ पर जो हम लोग बातें करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन एक्सपीरियंस, आप लोगों को जो है मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स जो पूछे जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड में, वो बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ दोनों रहते हैं। बेसिक मैथ्स का क्या मतलब है, अंडर 10th लेवल का मैथ्स जो होगा, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज और एवरेज, ये सभी चैप्टर्स जो है SI CI जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट सब आपको क्लियर होना चाहिए, बेसिक मैथ्स के अंदर इसको रखता हूँ मैं। एडवांस मैथ्स में आपका 11th एंड 12th क्लास के मैथमेटिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि लिमिट्स, ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सभी चैप्टर्स, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट जो है, ये सभी चैप्टर को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए इस एग्जाम्स को देने से पहले। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स के बाद रीजनिंग का, तो रीजनिंग में विजुअलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, विजुअल रीजनिंग जिसको कहते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग आता है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि GK और आर्किटेक्चर्स एंड डिजाइन से रिलेटेड, तो GK जो आते हैं आर्किटेक्चर हिस्ट्री रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर्स, जैसे कि क्वेश्चन रहेंगे कि हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ द रेड फोर्ट, या फिर रेड फोर्ट कब बना था, इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आर्किटेक्ट कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ कोई भी बिल्डिंग, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं या फिर स्कल्पचर्स हैं, कोई भी मूर्ति है जो फेमस है, कोई स्टेट्यू है जो फेमस है, कौन उसको बनाए थे, कब बना था, ये सभी क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशंस में देखने को मिलता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। एंड इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटीज रिलेटेड ये 3 सेगमेंट रहते हैं आपको, और मैंने ये ऑफिशियल जो है मतलब काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वेबसाइट से ही मैंने नाटा के ऑफिशियल नोटिफिकेशंस को देख करके सिलेबस को आप सभी को मैंने बताया है। तो देखिए 3 3 टाइम्स होता है 1 ईयर में एग्जामिनेशंस। तो फर्स्ट एग्जामिनेशंस तो अप्रैल में होने जा रहा है, इसके बाद 2 जून या जुलाई में हो सकता है, थर्ड जो होगा अगस्त या सेप्टेम्बर में होगा। तो अगर कोई बच्चे चाहते हैं नाटा एग्जामिनेशंस को देने के लिए तो वो लोग दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो कुछ चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि और सब ईयर में मतलब 12th क्लास के ही स्टूडेंट एग्जामिनेशन को दे सकते थे, अपियरिंग स्टूडेंट ऑल्सो दे सकते थे, लेकिन इस साल जो एग्जामिनेशन में पैटर्न मतलब एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया में बदलाव किया गया है, वो है कि क्लास 11th के बच्चे भी इस बार एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो ये एक बेस्ट चीजें हैं, क्लास 11th के बच्चे भी दे सकते हैं। और अगर देंगे तो क्या उस साल एडमिशन लेंगे आर्किटेक्चर कॉलेज में, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो क्या किया गया है इसके लिए, इसके लिए किया गया है कि जो नाटा का स्कोर कार्ड का वैलिडिटी रहता है, वो वैलिडिटी को बढ़ा दिया गया है। कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 ईयर्स यानी 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सपोज दैट अगर आप 11th क्लास में हैं और अगर आप दे रहे हैं नाटा एग्जामिनेशन को, और इसी साल 2024 में ही आपका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, तो आप नेक्स्ट ईयर जो है बोर्ड एग्जामिनेशन पे अपना 100% फोकस कर सकते हैं, और आपका स्कोर कार्ड ये नाटा वाला जो है नेक्स्ट ईयर ही काम आ जाएगा, और इसी स्कोर कार्ड से नेक्स्ट ईयर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, राइट। तो यही एग्जामिनेशन पैटर्न में बदलाव किए, मतलब जो स्कोर कार्ड के वैलिडिटी में है यही बदलाव किए गए। तो सभी चीज़ों को मैंने आई होप क्लियर कर दिया है कि जैसे कि क्वेश्चंस, एग्जामिनेशन पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और स्कोर कार्ड की वैलिडिटी, ये इंपॉर्टेंट चेंजेज हैं। और क्वेश्चंस में तो मैंने बता ही दिया कि जनरल एप्टीट्यूड से आपको जो क्वेश्चंस रहेंगे वो कितने कितने मार्क्स के, कितने क्वेश्चंस रहेंगे। एग्जामिनेशन जो होगा वो 3 आवर्स के रहेंगे, 180 मिनट्स के। तो आई होप आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। इसमें से अगर कोई भी बच्चे आप चाहते हैं प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से मिनिमल फी में, तो आप लोग जो है हमारे पेड बैच में भी ज्वाइन हो सकते हैं। पेड बैच में ज्वाइन होने के लिए आप लोग सिंपल में गूगल प्ले स्टोर से SK ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ऐप का लिंक दिया गया है और एडमिशन हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप लोग चेक करके हमारे पेड बैच में ज्वाइन होकर के नाटा एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। किसी भी तरह का हेल्प चाहिए होगा, किसी भी तरह का गाइडेंस चाहिए होगा, तो आप लोग कॉल करके वहां पर एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पर पूछ सकते हैं। पेड बैच में क्या क्या मिलेंगे इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी आप सभी को दे देता हूँ। पेड बैच में आपको मिलेंगे, सबसे पहले जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि स्कोरिंग जो मार्क्स होगा वो जनरल एप्टीट्यूड में,
और 120 मार्क्स के हैं। इसके बाद ड्राइंग में मेंटरशिप प्रोग्राम, मेंटरशिप क्लास दिया जाएगा सभी बच्चों को। क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसको वो ड्रॉ करना होगा, और वो क्वेश्चंस कैसे ड्रॉ किया जा सकता है उसका एक गाइडेंस भी दिया जाएगा। ये सभी चीज़ें आपको ऑनलाइन कोर्सेस में मिलेंगे। दोनों ही सेगमेंट जो है ड्राइंग का और जनरल एप्टीट्यूड का, दोनों में क्वालिफाई करना, यानी कि जो कट ऑफ मार्क्स है इसका मिनिमम जो रखा गया है वो मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो स्कोर कार्ड इशू नहीं होगा, या स्कोर कार्ड होगा तो उसमें लिखा हो रहेगा नॉट क्वालिफाइड। तो इम्पॉर्टेंट रहता है आपको सेक्शनल कट ऑफ को क्रॉस करना, तो दोनों को क्रॉस करेंगे। लेकिन सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ करना भी सही नहीं है, क्योंकि आपको अगर अच्छे कॉलेज चाहिए जैसे कि सर जे जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर्स, एस पी ए दिल्ली, तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जो है थोड़ा सा स्कोर कार्ड, थोड़ा सा मतलब मार्क्स अच्छा रहना चाहिए, राइट। तो इसके लिए क्या करना होता है, और अच्छे अच्छे बच्चे करते भी हैं, तो एक आइडियल स्कोर कितना होना चाहिए ये भी बात मैं कर लेता हूँ। 200 मार्क्स के टोटल ये एग्जेंशन होते हैं। अगर 150 प्लस मार्क्स आ जाते हैं, दैट मीन्स 160, 175, दैट्स थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, 160 तक आते हैं तो आपका एडमिशन मिल जाएंगे अच्छे कॉलेज में, राइट। 150 होना चाहिए प्लस, 150 प्लस होना चाहिए। I hope you have understood all the things. If you have any doubt, then you can write in the comment box. और किसी भी तरह का help चाहिए तो आप लोग admissions helpline number पे call करके जानकारी ले सकते हैं। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस episode में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले episode में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।